फील्ड डिस्क पे पढ़ ली थी और हॉलो हम स्फीयर पे कर ली थी, क्या इतनी बात क्लियर? उसके सेंटर पे आज हमने पढ़ना है मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, कहती बात क्लियर? कहने का मतलब एक चार्ज पार्टिकल हो, चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, कोई भी चार्ज पार्टिकल हो सकता है, या तो प्लस होगा या तो माइनस, उसको हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, तो उसका जो पाथ है वो कैसा होगा, उसका मोशन कैसा होगा, क्या इतनी बात क्लियर? पहली बात सुन लो, ये जो फोर्स पढ़ रहे हैं ना, ये एक कॉन्स्टेंट फोर्स है। कैसी फोर्स है? कॉन्स्टेंट फोर्स है। अभी तक जो फोर्स पढ़ी कैसी है बेटा? कॉन्स्टेंट फोर्स है। कॉन्स्टेंट फोर्स के लिए दो ही डायग्राम हो सकते हैं, याद रखो। या तो बनेगा स्ट्रेट लाइन, मतलब या तो जो मोशन होगा वो सीधी सीधी लाइन में होगा, और या तो होगा पैराबोला। क्या होगा? पैराबोला, और कुछ तो हो ही नहीं सकता। पहली बात, या तो होगा स्ट्रेट लाइन या तो क्या होगा पैराबोला। कहते बात क्लियर? थोड़ी बात करते हैं पैराबोला कैसे होगा, पढ़ा है आपने, पता चल जाएगा। स्ट्रेट लाइन तब होगा जब वेलोसिटी या तो पैरेलल हो जाए या तो एंटी पैरेलल हो जाए फील्ड के। पैरेलल मतलब 0 डिग्री बनाए, एंटी पैरेलल मतलब 180 डिग्री बनाए एंगल वी और ई में, ठीक है, ई के इलेक्ट्रिक फील्ड के, या फिर रेस्ट से छोड़ा जाए, मतलब वी कितना हो 0। अगर ये तीन केस आ रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन होगा, नहीं तो हमारा पैराबोला बनेगा। ऑल अदर केस, जितने भी अदर केस हैं, 90 डिग्री है, कोई थीटा है, तो उस केस में कैसा बनेगा? पैराबोला। आ जाओ मैं आपको दिखा देता हूँ, समझ आएगा आपको। मान लो ये हमारी फील्ड लाइन्स हैं, हालांकि अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमने पढ़ी नहीं है, पर मान लो कुछ ऐसे दिख रही हैं वो, ठीक है, यूनिफॉर्म। इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक की तरफ जा रही है, इसका मतलब यहाँ पे कोई सोर्स चार्ज बैठा है प्लस, क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा बेटा, इनके बीच में डिस्टेंस बराबर है, एक दूसरे के पहले रहे, तो इनको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, क्या इतनी बात क्लियर? अब उसमें बोला मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल। मान लो मैंने यहाँ पे रख दिया एक क्यू चार्ज और यहाँ पे रख दिया एक माइनस क्यू चार्ज, क्या इतनी बात क्लियर है? फील करो, अगर क्यू चार्ज यहाँ पे रखा तो इसको फोर्स कहाँ लगेगी? इस साइड कितनी लगेगी? क्यू इंटू ई। फोर्स की वैल्यू कितनी लगेगी? क्यू इंटू ई। अरे क्यों लगेगी सुन लो, फील्ड लाइन्स कौन बनाता है? क्या प्लस बना रहा है? प्लस प्लस को क्या करेगा? रिपेल करेगा, तो इसी साइड धक्का बचेगा, मतलब फोर्स लगेगी क्यू ई इस साइड, बिल्कुल। अब यहाँ पे फील्ड लाइन्स कौन बना रहा है वाली? प्लस, तो प्लस माइनस को क्या करेगा? अट्रैक्ट, यानी इस पे फोर्स पीछे लगेगी, जिसको हम बोलेंगे क्यू ई। कितनी बात क्लियर है? पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये फोर्स लगी और ये सीधा सीधा चलने लगा, और यही तो हमने पढ़ा है, अगर V पैलर हो जाए E के, ये देखो V भी इसी साइड था और E भी इसी साइड था, पैलर हो गया, तो बेटा कैसा लाइन बना? स्ट्रेट पाथ लाइन बना। जो पाथ बना वो स्ट्रेट लाइन बना। यहाँ पे देख लो, मान लो पीछे फेंका, मान लो ये देखो, मान लो ये पीछे जाने लगा, तो फिर ये देखो ये पीछे जाएगा, पर है तो कैसा? स्ट्रेट लाइन। क्या क्लियर होगी बात? पक्का। अच्छा एक और केस ले लो, मान लो क्यू चार्ज है पर इस बार आगे नहीं फेंका, इस बार कहाँ फेंका? पीछे फेंका। इस बार काम है का पीछे, बट फिर भी फोर्स तो उसको आ जाएगी, लेकिन थोड़ा पीछे जाएगा और घूम के फिर कैसे पाथ करेगा? स्ट्रेट लाइन। क्या इतनी बात क्लियर? मान लो रेस्ट से फेंका, आपने छोड़ा ही नहीं, वेलोसिटी दी ही नहीं, ये लो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे क्यू चार्ज पड़े, इसको कुछ वेलोसिटी आपने नहीं दी, इसकी वेलोसिटी जीरो है। बेटा अगर वेलोसिटी जीरो है पर फिर भी फोर्स तो लगेगी ना क्यू ई, तो एक्सेलेरेशन आएगा, यानी ये भी क्या बना? स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब ये वाले केस हम सारे देख चुके हैं। याद रखो, जब V और E में 0 डिग्री एंगल हो, 180 डिग्री एंगल हो, या फिर V रेस्ट पे हो, चार्ज के पास कुछ भी स्पीड नहीं हो, तो स्ट्रेट लाइन बनता है। कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा पैराबोला थोड़ा समझा देता हूँ आपको, अच्छा साथ साथ में करते। अच्छा आपने ऐसे किया होगा, बड़े सारे क्वेश्चन किए हैं, याद है हम यहाँ पे खड़े हो जाते थे और हम एक बॉल फेंकते थे काइनेमेटिक्स में, प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो ये बॉल ऐसे जाके ऐसे लगती थी या ऐसे जाके ऐसे लगती थी? ऐसे जाके ऐसे लगती थी। तो बेटा यही होता है पैराबोला, यही क्या होता है पैराबोला? ऐसा थोड़ी है बॉल यहाँ से फेंके और बॉल नीचे वाले बंदे को जो यहाँ पे खड़ा है उसको लग गई, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो ये जो पाथ है इसको बोलते हैं पैराबोला। क्या इतनी बात क्लियर है? कहने का मतलब है जो भी ये वेलोसिटी वी है ना, ये वी वेलोसिटी एक्सेलरेशन की तरफ जाती है, किसकी तरफ? एक्सेलरेशन की तरफ। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन कौन सी है? ग्रेविटी, जो नीचे लग रही है जी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ये वेलोसिटी आपने तो ऐसे दी बट जी नीचे लग रहा है, तो ये वेलोसिटी भी धीरे 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 जी की डायरेक्शन अपनाना चाहती है, तो ये धीरे 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 जी की तरफ जा रही है, तो पाथ कुछ ऐसा हो जाता है। ऐसा नहीं होता, इसी को हम बोलते हैं पैराबोला। हालांकि इस पर डिटेल लेक्चर मैंने डाला हुआ है 11th के लिए, पढ़ लेना, वहाँ से पढ़ना होगा तो आप याद रखना। क्या इतनी बात क्लियर? ठीक है उतार लो।
ये तो आगे सिंपलेस्ट केसेस का। अब इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, मान लो हमने दो प्लेट्स ली, एक प्लेट ऐसे एक प्लेट ऐसे, ये प्लेट प्लस और ये प्लेट माइनस, ठीक है। दो प्लेट्स है, इसको कैपेसिटर प्लेट्स बोलेंगे, बाद में बोलेंगे। इसको ले लिया प्लस सिग्मा, इसको ले लिया माइनस सिग्मा। सिग्मा सबको पता है क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। कितना होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, कि एक मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज आता है, दैट इज सिग्मा, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने पढ़ रखा है इसको, ठीक है। अब फील करो कि इसका सेंटर है, मान लो कहीं पर ऐसा, ये दूरी है डी, कितनी दूरी है टोटल डी है, तो ये आधी कितनी है, ये आधी है डी बाय टू और ये भी डी बाय टू। क्या इतनी बात क्लियर। इस दूरी को मैंने बोल दिया x, क्या बोल दिया x, ठीक है बिल्कुल। अब सुनो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे फील्ड लाइंस बनाऊँ, अगर फील्ड लाइंस होंगी तो प्लस से माइनस की तरफ होती हैं, तो यानी फील्ड लाइंस नीचे की तरफ है, किसकी तरफ है, नीचे की तरफ, बिल्कुल सही बात है, इतना तो पता चल गया। अब हमने क्या किया, इस जगह से यहाँ पे, यहाँ पे कोई भी चार्ज है, मान लो चार्ज है q, मास है इसका m, मास कितना m, इसको वेलोसिटी दी मैंने, इसको मैंने वेलोसिटी दी ऐसी, v वेलोसिटी दी, कितनी वेलोसिटी दी v। अब सुनना ध्यान से देखना, v वेलोसिटी है, बट ये सारी वेलोसिटी x में है, y में नहीं है। मैंने इसको ऐसे करके नहीं फेंका, ऐसे करके, क्योंकि अगर ऐसे करके फेंका होता तो एक वेलोसिटी का कंपोनेंट यहाँ आता और एक यहाँ आता, फिर x में भी होती y में भी होती, पर मैंने इसको सीधे हॉरिजॉन्टल फेंका तो v में इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है। क्या इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल। थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट वाला आप जानते हो। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि ये जब फेंकेंगे तो क्या ये इस प्लेट को, यानी ये जो x है, क्या इसको पार कर जाएगा, अच्छा, या फिर इसको लग जाएगा, या फिर इसका क्या होगा। सुनो बेटा, ये जितना भी चीज़ें हैं ये डिपेंड करता है वेलोसिटी पे। किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी कि क्या होगा। क्यों, फील करो, अगर मैं हल्के से फेंकूँ यहीं गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा, क्योंकि प्लस और प्लस को क्या करेगा, रिपेल, और प्लस माइनस को क्या करेगा, अट्रैक्ट की नीचे की तरफ आएगा, पैराबोलिक शेप लेगा। कैसी शेप लेगा, पैराबोलिक, ये देखो ऐसी शेप। क्या इतनी बात क्लियर, अच्छा इतना पता चल गया आपको कि प्लस प्लस को रिपेल करेगा और ये इसको अट्रैक्ट, तो ये नीचे आएगा और पैराबोला शेप लेगा, बिल्कुल सही बात है। अच्छा अब सुनो, हमने देखा वी पे डिपेंड करता है, क्योंकि वी अगर धीरे डालेंगे तो यहाँ टच हो जाएगा। अब फील करो, क्वेश्चन है कि फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी कि ये प्लेट को टच नहीं हो, प्लेट्स के थोड़ा बाहर से टच हो, मतलब ये ऐसे जाए। देखना कितनी वेलोसिटी दें कि ये कुछ ऐसे हो जाए, इसका पाथ कुछ ऐसा जाए, मतलब ये प्लेट से, देखो प्लेट यहाँ तक थी ना, प्लेट से बाहर आ जाए। फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी सच दैट इट विल नॉट हिट द प्लेट, या बाहर चले जाए प्लेट से। क्या इतनी बात क्लियर है, पक्का, अच्छा बहुत आसान है, पर इसको कंपेयर कराता हूँ मैं आपको थोड़े प्रोजेक्टाइल से। ये देखो ये कुछ ऐसे ही है, मान लो यहाँ पे कोई टावर है, यहाँ पे कोई बंद है, इसने कोई बॉल फेंकी वी वेलोसिटी से, बॉल फेंकी वी वेलोसिटी से, तो ये गिरेगी कैसे, क्या ऐसे करेगी, पैराबोलिक पाथ लेगी। क्या इतनी बात क्लियर है, पक्का, हाँ बिल्कुल। बेटा याद करो, इस चीज़ को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज। और इस रेंज का फॉर्मूला आता था, इस आर का जो फार्मूला आता था वो आता था वी इंटू टी, बेटा डिस्टेंस ही है ना फॉर्मूला, क्या स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड कितनी है इनिशियल वी, और टाइम का फॉर्मूला आता था वो आता था 2h बटे जी अंडर रूट में स्पीड इंटू टाइम। अब कहाँ से आता है दिखा देता हूँ मैं आपको जल्दी से, फील करो, अगर मैं फील करूँ तो y में इसकी वेलोसिटी जीरो है, y में थोड़ी फेंका इसको, y में इसको फेंका नहीं है, मान लो ये डिस्टेंस है d, कितना डिस्टेंस है d, y में तो फेंका नहीं है, मतलब अगर मैं लिखूँ u एट y, इनिशियल वेलोसिटी एट y तो है जीरो, तो सीधे लिख सकता हूँ s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया, s की वैल्यू कितनी है d, तो ये आ गया 2d बाय a, तो यहाँ से अंडर रूट इज इक्वल टू d। क्या तुम्हें आया नहीं आया, वही लिखा है अंडर रूट 2, ये वाला स्क्वायर अंडर रूट 2 डी की जगह h बाय जी। क्या इतनी बात क्लियर, अच्छा इसका मतलब हमको क्या चाहिए, हमारा पार्टिकल इससे बाहर चले जाए, अगर इससे बाहर चले जाए इसका मतलब ये वाली रेंज इससे बड़ी होनी चाहिए x से, यानी r मस्ट बी ग्रेटर देन x। क्या तुम्हें समझ आया, क्योंकि ये फेंकेगा तो ये हमारी रेंज बनी ना, ये देखो ये बना हमारा x, यहाँ तक ये हमारा है x, और यहाँ पे ये जो गिरा ये बना हमारा r। अगर r x से बड़ा होगा तभी तो इसको टच नहीं करेगा, तो r के फॉर्मूला क्या है, v इंटू टी, तो v वेलोसिटी कितनी भी t। अब सुनो 2 इंटू एच, कहाँ से फेंक रहे हैं, d बाई टू से, तो लिखेंगे d बाई टू। क्या इतनी बात क्लियर है, अब g की बात आती है, g कैसे पुट करें, सुनना, अगर मैं बोल दूँ यहाँ पे कोई भी ग्रेविटी नहीं है, नो ग्रेविटी,
यानी ग्रेविटी फ्री स्पेस है, क्योंकि देखो ना यार इसका मास होगा तो mg भी लगेगा, पर मैं मान रहा हूँ कोई ग्रेविटी नहीं है। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो लग रहा है QE बटे m। कितना लग रहा है? QE बटे m। क्यों? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कहता है फोर्स अपॉन मास। अगर मैं कहीं भी निकालूँ यहाँ पे तो फोर्स लग रही है यहाँ पे QE, और मास कितना है इसका m, तो एक्सेलरेशन होगी QE बाय m। यानी यहाँ पे जो जी जो प्ले कर रहा है वो कर रहा है QE बटे m इज ग्रेटर देन x, और यही वो वेलोसिटी की वैल्यू है। क्या क्लियर होगी बात? पक्का? यहाँ से आप वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हो, v निकाल सकते हैं यहाँ से, बस सिंपल ये बताना था आपको। क्या समझ आया? पक्का? इसमें एक और क्वेश्चन आता है डिफ्लेक्शन कितना हो गया, ये देखो ये डिफ्लेक्शन हुआ नहीं हुआ, कि जाना इसको सीधे था बट ये डिफ्लेक्ट कर गया, डिफ्लेक्शन कितना हुआ। यहाँ पे एंगल पूछ रहे थे, वो भी कराऊंगा, पर क्या ये समझ आया आपको? ये मिनिमम वेलोसिटी अगर दोगे आप, अगर ये मिनिमम वेलोसिटी अगर आप दोगे तब जाएगा ये, यानी ये टर्म उधर जा सकती है ना उल्टा होकर, बिल्कुल वी की वैल्यू आ गई। क्या क्लियर होगी बात? पक्का? हाँ, इसके लिए थोड़ा थोड़ा आपको 11th आनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, उतार लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी से रिलेटेड एक एनसीईआरटी में भी आपके क्वेश्चन बहुत आसान है, पर आपको ये वाला पार्ट आना चाहिए, फिर आसान लगेगा, ऐसे आसान नहीं लगेगा। ठीक है, अच्छा माइनस लेके करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। मान लो यहाँ पे फिर हमारे पास प्लेट है, एक प्लेट हमारे पास ये है, ये वही प्लस वाली प्लेट है, प्लस सिग्मा और ये माइनस सिग्मा। क्या इतनी बात क्लियर? फील्ड कहाँ होगी? आपको पता फील्ड होगी पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब देखो इस बार क्या किया मैंने, यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज रखा, माइनस क्यू यानी इलेक्ट्रॉन, मास उसका m, और इसको वेलोसिटी दी सीधी, और वेलोसिटी दी v, सीधी वेलोसिटी दी है। इसका मतलब क्या है? इनिशियल वेलोसिटी एट y कितनी है? जीरो। काम आएगा इसका तभी लिखे। ठीक है, अच्छा ये डिस्टेंस ले लो आप पहले की तरह x, और ये डिस्टेंस ले लो पहले की तरह d। कितना आ गया? d। क्या इतनी बात क्लियर? अब थोड़ी बातें बताना चाहता हूँ मैं आपको, हालांकि आपको अच्छी बात अगर पता होगा तो। अगर मैं यहाँ से कुछ ऐसे फेंकूँ तो ये तो पैराबोलिक पाथ लेगा ऐसे करके, मान लो v वेलोसिटी है, ये थीटा एंगल से फेंकूँ तो ये हो जाता है v cos थीटा, और ये हो जाता है v sin थीटा। एक बात याद रखना, x की वेलोसिटी जो x में है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। कैसी रहती है? कांस्टेंट x की वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि x में g काम नहीं करता, g की वैल्यू जीरो होती है। यार ये देखो ये नीचे गिर रहा है, इसका मतलब जो जी लग रहा है वो वाई में लग रहा है, एक्स में थोड़ा लग रहा है, आगे थोड़ी जा रहा है, देखो नीचे गिर रहा है, तो जी हमेशा वाई में लगता है, तो एक्स में जी नहीं लगता। अगर जी ही नहीं लगता है तो वेलोसिटी कांस्टेंट। जी क्या है? चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हो रहा तो वो कांस्टेंट रहेगी। क्या इतनी बात क्लियर? मतलब एक्स में वी कैसा रहता है बेटा? कांस्टेंट रहता है, ये बात याद रखना। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा अब यहाँ पे देख लो, मैंने इसको फेंका, आप फील करो ये माइनस का है, तो माइनस वाला इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा और प्लस वाला अपनी तरफ खींचेगा। इसका मतलब इसका जो पाथ होने वाला है ये मान लो ये चार्ज यहाँ से रखा मैंने, इसका जो पाथ होने वाला है तो ये कुछ ऐसे पाथ होगा इसका। कहती बात क्लियर? मुझे नहीं पता टच होगा नहीं होगा, हमने सब वो सब नहीं निकालना, पर इसका ये पाथ होने वाला है। कहती बात क्लियर है? पक्का? अच्छा बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। अब फील करो मैंने फेंका कहाँ था इसको, यहाँ से ले लो, यहाँ से ऐसे कर लो फील करने के लिए। मैंने फेंका था सीधा, पर यहाँ से ये ऐसे घूम गया, पैराबोलिक शेप ले गया, और पैराबोलिक शेप ले से यहाँ चले गया। ठीक है, इसको फिर ऐसे, ठीक है ऐसे चलेगा, फेंको इसका। इसका मतलब मैंने फेंका था सीधा, चले गया यहाँ पे, तो ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं हम इसको? डिफ्लेक्शन। डेल्टा से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने इसको। कहती बात क्लियर है? इतना डिफ्लेक्ट हो गया। क्यों? जाना तो सीधे था पर इतना ऊपर चले गया, दैट इज डिफ्लेक्शन। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? अब कई बार ये डिफ्लेक्शन पूछते हैं डिफ्लेक्शन कैसे निकालें। सुनो, अगर मैं बात करूं x डायरेक्शन की, तो अगर मैं इस x को लिखूं, ये x को लिखूं, x का फॉर्मूला क्या होता है? x का फॉर्म, क्योंकि g तो लग रहा नहीं है, तो x का सिंपल फॉर्मूला है, x का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है? v। टाइम कितना लग रहा है? मान लो t, तो यहाँ से t की वैल्यू अगर निकालूँ तो वो आ जाएगी x बाय v, सिंपल सी। कोई दो राय हैं? क्लियर होगी बात? अच्छा ये जो v फेंका है ये पूरा x में फेंका है, तो y में v कितना है? जीरो। अभी मैं पढ़ा, ये लिखा भी है साइड में। अच्छा बिल्कुल, अगर मैं बात करूं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वेशन लगा दूं,
तो एक्सेलेरेशन वही इस पर कितना लग रहा है, एक्सेलेरेशन की वैल्यू है बेटा, फोर्स लग रहा है क्यू ई, मास है इसका एम, तो क्यू ई बाय एम। अच्छा एस क्या है, ये डिफ्लेक्शन, तो लिखेंगे डेल्टा इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, वाई में कितनी है, कोई वेलोसिटी नहीं है, जीरो है, तो यहाँ लिखा हाफ। एक्सेलेरेशन की वैल्यू बोलो, यह आ जाएगा क्यू ई बाय एम, और यहाँ पे आ जाएगा टाइम का स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, ये है वो डिफ्लेक्शन। क्या क्लियर हो गया, डिफ्लेक्शन भी निकल गई। अब सुनो, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये डिफ्लेक्शन ना क्यू बाय एम पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, क्यू बाय एम, इसको बोलते हैं चार्ज टू मास रेशो। एक एनसीईआरटी में डायरेक्ट न्यूमेरिकल है इसका, चार्ज टू मास रेशो, इसको याद रखना। इसका मतलब आपने अभी भी सीखी, डिफ्लेक्शन उसका बड़ा होगा जिसका चार्ज टू मास रेशो बड़ा होगा। मान लो जिसकी वैल्यू कम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है ना क्यू बाय एम, जिसका ये छोटा डिफ्लेक्शन छोटी, मतलब वो कम डिफ्लेक्ट करेगा। जैसे मान लो जाना था ऐसे तो वो डिफ्लेक्ट कर गया ऐसे, मान लो जाना था ऐसे वो डिफ्लेक्ट कर गया ऐसे, तो इसका ये देखो फर्क है ना, इसका मतलब जिसका चार्ज टू मास रेशो ज़्यादा उसकी डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा। ये बात समझ गया आप, ठीक है, डिफ्लेक्शन भी निकाल दी। अच्छा एक और पूछते हैं, एंगल पूछ लेते हैं कई बार, तो एंगल निकालना में कोई बड़ी बात नहीं है। मान लो वो पूछ लेते हैं एंगल बताओ, तो यहाँ पे देख लो थीटा, कहीं भी देख सकते हो। अगर ध्यान से देखो किसी पे भी, इस पे दो वेलोसिटीज़ हैं इस टाइम, यहाँ पे तो एक है पर यहाँ पे तो दो है ना, इसका मतलब यहाँ पे होगी इसकी एक्स वाली वेलोसिटी जिसको हम बोलेंगे वी एक्स, और यहाँ पे होगी इसकी वी वाई वाली वेलोसिटी। अगर ये थीटा निकालें तो आपको पता है ये वी वाई यहाँ आ जाएगा, और टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो सीधे लिख सकते हैं टैन थीटा इज इक्वल टू वी वाई बटे वी एक्स। कितनी बात क्लियर है। अच्छा वी एक्स तो वी ही रहेगी, मैंने बोला एक्स में वी क्या कॉन्स्टेंट रहेगा, तो ये तो वैल्यू वी ही रही, हमको चाहिए वी वाई, तो कौन सा बड़ी बात है, तो वी वाई का फॉर्मूला हो जाएगा यू वाई प्लस ए इन टू टी। बेटा यू वाई तो जीरो है, हम पहले लिखे हैं, तो वी वाई का फॉर्मूला आ गया एक्सेलेरेशन टू टाइम, एक्सेलेरेशन है क्यू बी बाय एम, और टाइम की वैल्यू है एक्स बाय वी, इसकी वैल्यू हम वहाँ पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा, ये आ गया क्यू ई एक्स बाय एम वी स्क्वायर 100%, और थीटा को वहाँ ले जाएंगे तो ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स क्यू ई एक्स बटे एम वी स्क्वायर 100%, ये आ गई थीटा की वैल्यू। क्या क्लियर होगी बात, पक्का डिफ्लेक्शन निकालना आ गया, मतलब मेन बात क्या, तकनीक चार्ज टू मास रेशो पर डिफ्लेक्शन डिपेंड करता है। क्लियर है, पक्का आगे करें, ठीक है। ठीक है अब यहाँ पे देख लो, देखो एनसीईआरटी में जो न्यूमेरिकल था वो देखो क्या न्यूमेरिकल है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है पर है कुछ ऐसा, ये प्लस 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 प्लस, ये माइनस 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 माइनस। एक चार्ज पार्टिकल आया, देखना ध्यान से, वो ऐसे आया और फिर ऐसे चलेगा, दूसरा भी आया ये भी ऐसे चलेगा, ये तीसरा वाला यहाँ से ऐसे चलेगा। कहती बात क्लियर, उन्होंने पूछा, इसको बोलते ए, इसको बोला बी, इसको बोला सी, अब बताओ ए बी सी कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। बिल्कुल सही बात है, फील करो प्लस के पास जा रहे हैं दोनों, तो ये दोनों कितने होंगे नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव होंगे तभी तो प्लस अट्रैक्ट करेगा, और ये किसकी तरफ आ रहा है, नेगेटिव की तरह, इसका मतलब सी वाला प्लस होगा। पहले का आंसर तो मिल गया, आसान था। अब उसने बोला चार्ज टू मास रेशियो किसका ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा किसके, मैंने बोला जिसकी डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी, तो डिफ्लेक्शन कैसे देखते हैं, आपको पता सीधा जा रहा था सीधा जा रहा था सीधा जाना था सीधा जाना था, इसकी डिफ्लेक्शन इतनी, इसकी डिफ्लेक्शन इतनी, और इसने सीधा जाना था और इसकी डिफ्लेक्शन इतनी, तो सबको पता चल रहा सबसे बड़ी डिफ्लेक्शन ये है, तो हम बोलेंगे चार्ज टू मास रेशो सबसे ज़्यादा किसके है, सी वाले का। क्लियर होगी बात, क्योंकि इसकी इतनी बड़ी डिफ्लेक्शन है, इसकी इतनी और इसकी इतनी। क्लियर, इतना आसान था न्यूमेरिकल तो, पर ये तब तक नहीं आएगा जब तक आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। क्लियर, तो एक न्यूमेरिकल ये के लिए पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। पढ़ते हैं, मान लो स्प्रिंग आपके पास ऐसे, मास इसका एम। अच्छा पहले थोड़ा और अच्छे से समझाता हूँ, आपको समझ आएगा, ये स्प्रिंग ऐसे है, ठीक है, ऐसे लटका है इस पर। बिल्कुल सही बात, अगर मैं इसके साथ मास जोड़ूँ, फील करो मास जोड़ूँ ऐसे, तो ये थोड़ा खींचेगा खींचेगा खींचेगा, बिल्कुल नीचे आएगा, बिल्कुल फील आ गया ना आपको, और इस पर चार्ज है क्यू, और ये जो है स्प्रिंग इसका कॉन्स्टेंट है के। ये मिली मुझे इक्विलिब्रियम पोजीशन, क्या मिली, इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब यहाँ पे तो जब मास नहीं था तो ये मजे में यहाँ पे था, मान लो यहाँ पे था मजे, तो पर ये खिंचो स्प्रिंग बिल्कुल, तो यानी आपको पता भी है फोर्स क्या होती है, माइनस के एक्स या के एक्स लिख दो डायरेक्ट, फोर्स कितनी नीचे कितनी लगती है, एम जी, तो एम जी बराबर के एक्स, तभी तो आया इक्विलिब्रियम पोजीशन, दोनों बराबर हुई, जो एम जी लग रहा है और जो के एक्स लग रहा है बराबर हो गया, ठीक, स्प्रिंग खिंचो, बट एक्चुअल में ये मान लो यहाँ पे था, ध्यान रखना इस पोजीशन को, ठीक है, बिल्कुल। अब क्या हुआ, मैंने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल यहाँ पर लगा दी,
पहले क्या लग रहा था एम जी, पहले सिर्फ क्या लग रहा था इस जगह पे एम जी, अब बेटा इस पे क्या लगेगा, क्या क्यू ई भी लगेगा, क्योंकि फोर्स भी लगेगी अब क्यू ई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्लस से आ रही है, तो प्लस प्लस को क्या करेगी रिपेल, क्यू ई मतलब दो फोर्स, इसका मतलब कि थोड़ा नीचे जाएगा। अब जो इक्विलिब्रियम पोजीशन मिलेगी वो हमको अब यहाँ मिलेगी, ये थोड़ा नीचे आ गया, इसको मैं बोलूँगा न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब फिर ये ऊपर ऊपर नीचे एसएचएम करेगा, तो वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन सिंपल, टाइम पीरियड निकालो एंड एम्पलीट्यूड निकालो। तो टाइम पीरियड तो मैं सीधा लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम पीरियड है 2π अंडर रूट एम बटे के एज इट इज, यही फॉर्मूला होता है, ऐसा ही रहेगा, क्यों, क्योंकि ये एक फोर्स कॉन्स्टेंट फोर्स का केस है, और जो ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम कॉन्स्टेंट फोर्स पर डिपेंड ही नहीं करता, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम टाइम्स पीरियड या टाइम पीरियड डू नॉट डिपेंड अपॉन, ये सभी इलेवंथ में पढ़ा है, डू नॉट डिपेंड अपॉन कॉन्स्टेंट फोर्स, फोर्स कैसी है कॉन्स्टेंट, क्या क्लियर है बात, पक्का। अब ऐसे ही आ जाता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन वाला, ठीक है, ये पहले भी कराया एक बार, कोई बात नहीं, देख लो, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कुछ भी नहीं, ये पार्टिकल अगर इसको मैं यहाँ से वेलोसिटी दूँ 5gr की, तो ही ये अपना ये कंडीशन होती है, तो यहाँ पे कर देगा और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी gr। पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन भी करना है, ऐसे थोड़ी थोड़ी स्पीड दे दूँ तो ऐसे ऐसे करता रहेगा, कितनी स्पीड दूँ कि ये पूरा चक्कर करे, तो अंडर रूट 5gr। तो यहाँ पे g की जगह क्या हो जाएगा, g इफेक्टिव, यानी 5g इफेक्टिव r, देख लो r देंगे एक बार नहीं देंगे, मान लो यहाँ पे वही हमारे पास प्लेट्स हैं दो कैपेसिटर की, प्लस 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 प्लस, और ये माइनस 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 माइनस, यहाँ पे हो रहा है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, और यहाँ पे कर रहा कौन है, ये क्यू चार्ज मास इसके पास m, ये क्यू है, ठीक है, ठीक है, मान लो और ये वी वेलोसिटी है, ठीक है, मान लो पहले मैं केस ले लेता हूँ ग्रेविटी फ्री वाला, कोई ग्रेविटी नहीं लग रही, ग्रेविटी फ्री, ग्रेविटी नहीं लग रही है तब भी प्लस प्लस को तो क्या रिपेल हो रहा है, मतलब क्यू ई तो इसको लग ही रही है, और नीचे भी देखो ना, प्लस वाली इसको क्यू ई यहाँ, माइनस वाली क्यू ई यहाँ, तो क्यू ई इसको नीचे लग रही है, कहते बात क्लियर, तो यानी जो एक्सेलरेशन मिला वो मिलता है फोर्स अपॉन मास। तो सीधे अगर मैं टाइम पीरियड लिखूँ, सॉरी हमको पता नहीं वेलोसिटी मिनिमम कि अब कितना करे कि ये भी आ जाए, तो अंडर रूट 5gr, अच्छा g की वैल्यू आपको पता वो तो लग रही नहीं है, तो सीधे देखेंगे क्यू बी बाय एम इंटू आर, और आर आपको पता ही है रेडियस होता है, क्या क्लियर होगी बात। अच्छा मान लो उसने बोला ग्रेविटी फ्री नहीं है भाई, ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है, अगर ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है तो सेम जगह पे एम क्यू ही तो लग रहा है, क्या यहाँ पे एम जी भी लगेगा, फोर्स भी तो लगेगी, तो इसका मतलब क्यू भी लगेगा एम जी भी लगेगा, तो अब जो वेलोसिटी मिनिमम लिखेंगे वो लिखेंगे अंडर रूट 5g इफेक्टिव, यानी अब हो जाएगा g प्लस क्यू ई बाय एम इंटू 100%। है आसानी है, अगर तुम्हें 11th का कंसेप्ट आता है तो है कुछ भी नहीं, क्लियर होगी बात, नेक्स्ट करें, ठीक है, अब देखते हैं हम पेंडुलम वाला क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल सा है वो भी, देखो अगर मैं सीधे बोलूँ यहाँ पे मास एम है, क्यू है, दूरी एल है, टाइम पीरियड बताओ सिंपल पेंडुलम का, सबको पता है 2π अंडर रूट एल बटे जी, कहते हैं बात क्लियर, क्योंकि नीचे क्या लग रहा है एम जी, क्या लग रहा है नीचे एम जी, और ऊपर लग रही है टेंशन टी इज़ इक्वल टू एम जी, ये सब छोड़ दो, ठीक है। अगर हुआ क्या, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो मैं क्या करूँगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूँ, सेम क्वेश्चन है, ये एम, ये जी, और साथ में नीचे की तरफ आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये दूरी एल, कहते हैं बात क्लियर। अब सुनो, टेंशन ऊपर टी, टेंशन छोड़ दो, आपको पता नीचे एम जी तो लग रहा है, इस बार नीचे क्यू ई भी लग रहा है ना, तो इसका मतलब जो टाइम पीरियड है वो आ जाएगा 2π अंडर रूट एल बटे जी, यानी जी इफेक्टिव, अगर मैं सही बताऊँ तो जी इफेक्टिव, यहाँ तो जी लग रहा है और ए भी लग रहा है क्यू ई बाय एम, तो आ जाएगा जी प्लस क्यू ई बाय एम, सिंपल, क्लियर होगी बात। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा हिसाब देख लो, बोल रहा हूँ आसान है, मान लो पहले ये ऐसे था चार्ज मास, ऐसे था, ठीक है, चार्ज मास क्यू मास ऐसे था, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी राइट की तरफ ऐसे एक्स एक्सिस में, जब लिखाया तो इक्विलिब्रियम मुझे मिला यहाँ पे, फील करो ना यार, इस पे क्यू ही बजाएगा ना ऐसे, तो ये ऐसे झुक ऐसे जाएगा, अभी ऐसे ऐसे करेगा, सीधा नहीं घूमेगा ऐसे, टेढ़ा, कहते बात क्लियर। अच्छा यहाँ पे क्यू ही लग रहा है इसको, और नीचे क्या लग रहा है एम जी, अगर मैं सिर्फ एक्सेलरेशन की बात करूँ, टेंशन वगैरह छोड़ दूँगी, टेंशन लग रही है टी आपको पता है, तो यहाँ पे लग रहा है जी, और यहाँ पे लग रहा होगा एक्सेलरेशन की वैल्यू क्यू ई बटे एम, और ये है उसका रिजल्टेंट, एंगल कितना है 90,
तो फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस 90 जीरो, यानी बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया ए, ये आ गया बी, तो सीधे लिखेंगे टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बटे जी स्क्वायर प्लस क्यू ई बटे एम का स्क्वायर का अंडर रूट। क्लियर होगी बात, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस 90 का अंडर रूट होता है ना, कॉस 90 जीरो पीछे बचा ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, सिंपल कर सकते हो, आसान है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन देख लो। मान लो यहाँ पे दो प्लेट्स हैं हमारे पास, ये वही प्लस 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 और ये माइनस 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 माइनस, फील्ड कहाँ होगी, नीचे को फील्ड होगी, सबको पता है। मान लो मैं बोलता हूँ ग्रेविटी नहीं है, नो ग्रेविटी, हो भी सकती है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ नहीं है, ग्रेविटी लगेगी तो एम जी ऐड करना है आपने और कुछ बातें नहीं करनी है, ठीक है। सुनो, यहाँ पे कोई, मान लो ये डिस्टेंस है डी और ये डिस्टेंस है एक्स, क्या है एक्स, यहाँ पे कोई पार्टिकल है, चार्ज क्यू मास एम, जो इसको वेलोसिटी दी ना वो ऐसे दी, इसने बोला कि वर्टिकल से 60 डिग्री बनाए, सुनो ये होता है वर्टिकल और ये 60, मतलब वेलोसिटी इस तरफ को है वी और ये एंगल कितना बना रही है 60 डिग्री, क्या इतनी बात क्लियर। आपने यही वी निकालनी है, क्वेश्चन क्या, फाइंड वी, फाइंड वी, वी ऐसे निकालो, पहली बात तो ये प्रोजेक्टाइल करेगा, पहली बात, फाइंड वी सच दैट इट जस्ट हिट्स द टॉप ऑफ प्लेट, सिर्फ उसको टच करे और निकल जाए, यानी ऐसे, आपको पता प्रोजेक्टाइल करेगा कोई बड़ी बात नहीं आपके लिए, आपको पता चल गया तो ऐसे 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 करके प्रोजेक्टाइल करेगा, कहती बात क्लियर है, कहने की बात है कुछ ऐसा प्रोजेक्टाइल करेगा कि ये जो आएगी हाइट ये हो जाएगी इसकी एच मैक्स। अरे तुम्हें याद है ना टाइम ऑफ लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज और टाइम ऑफ लाइट, इसने कुछ ऐसे प्रोजेक्टाइल किया जो इसका एच मैक्स आएगा वो आएगा डी के बराबर, आपको निकालनी है वी, कोई बड़ी बात नहीं, बट कंडीशन क्या है बेटा, ये जो एंगल दिया है ना ये वर्टिकल के साथ है, प्रोजेक्टाइल में जो एंगल लेते हैं वो हॉरिजॉन्टल के साथ लेते हैं, ये पूरा 90 हो रहा था ये 60, तो ये एंगल 30, इसका मतलब ये 30 वाला एंगल लेना है, तो लिख दो डी इज इक्वल टू एच मैक्स, और एच मैक्स की वैल्यू सबको पता है कितनी होती है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g इफेक्टिव, कहती बात क्लियर, ये फार्मूला बड़ा होगा। अच्छा आप सुन लो, हमको क्या निकालना है, यू तो जी इफेक्टिव, इफेक्टिव की कोई बात ही नहीं, हमने बोला कोई जी नहीं लग रहा, छोटा वाला जी, बड़ा वाला जी नहीं, कोई नहीं लग रहा, तो एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन आ जाएगा, फोर्स कितनी लगेगी, क्यू ई, तो आ जाएगा क्यू ई बटे एम, फोर्स कितने लगेगी, क्यू ई लगेगी ना, तो प्लस प्लस को रिपेल करेगा, तो इसका मतलब ये आ जाएगा डी, ये आ जाएगा टू, जी की वैल्यू क्या है, जी की वैल्यू है क्यू ई बटे एम साइन स्क्वायर थीटा, बेटा साइन स्क्वायर थीटा कौन सा रहे 30, तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा यानी साइन 30 किसके बराबर होता है, होता है शायद 1/2 के बराबर, तो ये आ जाएगा 1/4, तो ये आ जाएगा 4 यहाँ पे, और इसका आ जाएगा अंडर रूट, ये आ जाए यू की वैल्यू, क्या तुम्हें समझ आ गया, सिंपल क्लियर होगी बात पक्का। इसी के साथ लेक्चर को ख़त्म करते हैं, फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे और डाइपोल पढ़ाऊंगा शायद आपको, इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ाएंगे, डाइपोल पढ़ाएंगे, क्या इतनी बात क्लियर है पक्का, चलो ठीक है।